अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, क्या सेमीकंडक्टर के भी टाइप होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था, हमने तीन तरबैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन तरह के सॉलिड देखे थे। उन तीन तरह के सॉलिड में सेमीकंडक्टर भी था, और ये कहा था कि सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम आगे सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ेंगे। तो पहले सेमीकंडक्टर देखते हैं कि क्या होता है, फिर इसके टाइप देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आर दो सॉलिड वोज कंडक्टिविटी लाइव बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हो, बीच में एग्जिस्ट करती हो, उनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं सिलिकन होता है, जर्मेनियम होता है, ये अच्छे एग्जाम्पल होते हैं सेमी कंडक्टर के। अच्छा ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, सेमी कंडक्टर शो जीरो कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। कि सेमी कंडक्टर जब एब्सोल्यूट जीरो पे शो रहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उनको देखा जाए तो उनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, दे बिहेव एज इंसुलेटर। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी शो कराते हैं कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग है, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटेगा घटाओगे तो घटेगा, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के रिगार्डिंग का पॉइंट और ये डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप की। सेमीकंडक्टर को दो हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनकी कंडक्टिविटी है वो है, इनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करनी, कोई इम्प्योर सब्सटेंस ऐड नहीं करना, इनकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट कराने के लिए, वो अफेक्ट में ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दैट दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसे का मतलब सेमीकंडक्टर है क्योंकि इनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मैंने सिलिकन का एग्जाम्पल ले लिया, तो सिलिकन का सबको पता है कि सिलिकन कौन से ग्रुप में लाई करता है, 14th ग्रुप में है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, चार, चार इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कार्बन शो कराता है टेट्रावैलेंसी, ये भी क्या कराएगा, शो टेट्रावैलेंसी, चार बॉन्ड बनाएगा। तो हमने उस सिलिकन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा हिस्सा उसका ले लिया स्टडी करने के लिए, देखने के लिए। तो इस सिलिकन में हर एक सिलिकन चार बॉन्ड फॉर्म करता हुआ एक ऐसा केस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड तो करी नहीं हमने, तो इनकी कंडक्टिविटी कैसे होगी, कैसे कंडक्टिविटी शो कराएगा ये, एक सिलिकन का बॉन्ड कहीं से कुछ भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मान लो मैंने ये सिलिकन का बॉन्ड कराया, ये सिलिकन का बॉन्ड ट्रांसफॉर्म होगा इधर, मूव करेगा, ये होगा इधर आगे, फिर आगे ये हो सकता है इधर मूव करे, ये आगे मूव करे। तो अभी देखो एक ऐसे कंडक्टिविटी मतलब बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ईज ऑफ कंडक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ईज ऑफ कंडक्शन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कि अपन ने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी, कुछ सब्सटेंस इसमें एक्सटर्नल ऐड नहीं करा, जो हमारे पास प्योर क्रिस्टल की फॉर्म थी, प्योर जो अपना सॉलिड था, उसी प्योर सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड जो हो रहे हैं वो अपनी पोजिशन को शिफ्ट कर रहे हैं, एक जो बॉन्ड था वो अगले पे चला गया, पिछले वाला उसकी जगह पे आ गया, आगे वाला फिर उसकी जगह पे, ये उसकी जगह पे, तो बॉन्ड शिफ्ट करते रहेंगे, बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बिना किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के एडिशन के कंडक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। वो ये वर्ड प्योर सेमीकंडक्टर इस रेफरेंस में बोला था। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये प्योर तो ये क्या हो गए, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो कि इनमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड करने पड़ेंगे, कुछ एक इम्प्योरिटी इनमें ऐड करनी पड़ेगी ताकि इनकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। ठीक है, और वो जो इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग, प्रोसेस ऑफ
एडिंग इम्प्योरिटीज इन एनी सेमी कंडक्टर टू इम्प्रूव इट्स कंडक्टिविटी. किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उन प्रोसेस को बोला जाता है, उस प्रोसेस को डिनोट कराया जाता है डोपिंग वर्ड से. ठीक है, तो अब डोपिंग करा दी तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन गए, इम्प्योर सेमीकंडक्टर. अब इनको भी आगे फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो उनके बारे में भी देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं. तब तक आप ये नोट कर लीजिए. अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप. के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते थे, पहला पार्ट होता था एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप होता था पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो पहले हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं. देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये पी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज. ऐसे सेमीकंडक्टर जिनके अरेंजमेंट में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाए या एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे. अच्छा, दूसरी चीज अपन इसमें क्या ऐड कर देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज अगर एक्सेस में आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज की हो जाती है डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक्सेस में. अब वो एक्सेस में कैसे आएगा, कैसे हम इनमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, वो सब चीजें देखते हैं. मैंने एक क्रिस्टल बना लिया सेमीकंडक्टर, नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर देखते हैं सिलिकॉन का. तो सिलिकॉन चार बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ये ऐसे क्लोज पैक क्रिस्टल फॉर्म कर देगा, कर दिया. अच्छा, अब करते हैं इनमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ऐड करते थे इम्प्योरिटी, इसमें भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. लेकिन पहले इम्प्योरिटी ऐड करने का तरीका देखो कि इम्प्योरिटी ऐड इनमें करेंगे कैसे और फिर कंडक्शन कैसे होगा. सिलिकॉन आता है 14th ग्रुप में, ये ऐसे रहता है. ठीक है, ये होता है अपने 14th ग्रुप के एलिमेंट. अब एक इसके इधर आता है ग्रुप, एक इसके इधर आता है, इधर आएगा वो रहता है 15th ग्रुप. 15th ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हो गया 15th ग्रुप. अब 13th ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, जब इतनों कर लिए तो 13th ग्रुप में आता है बोरोन. ये 13th ग्रुप के एलिमेंट थे. ठीक है, इसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, ये तो सेमीकंडक्टर में ले ही रहे थे एग्जांपल. अब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी ऐड करने में इन दो ग्रुप को यूज करा जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ ये करने से पहले बताया 13th ग्रुप और 15th ग्रुप. 13th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन. 13th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे तीन और 15th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं पांच. अब मैं जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे, मैंने जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में 14th ग्रुप से प्रीवियस ग्रुप, प्रीवियस मतलब पहले वाले ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करी जाएगी. मतलब हम इस 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. मान लो मैंने इंडियम ऐड कर दिया, ठीक है, कोई ऐड कर दो, इंडियम ऐड कर दिया, तो एक सिलिकॉन को हटा दो और सिलिकॉन की जगह पे क्या कर दिया, इंडियम ऐड कर दिया. अब इंडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, तीन, तो बोर्ड भी तीन ही फॉर्म करेगा. एक इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, तो ये वाले को देंगे हटा. यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड इसने कर दिए फॉर्म, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था, बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाया. मतलब यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट वैकेंसी क्रिएट हो गई, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे होल क्रिएट हो गया. ठीक है, इंडियम के पास ये क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया. और हम यही तो बोल रहे थे डेफिशिएंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया. तो अब जो ये सेमीकंडक्टर बना, इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. अब इनमें कंडक्शन कैसे होगा, जब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको दिखेगा अच्छा इधर वैकेंसी है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां करना शिफ्ट कर देंगे, इधर, कोई इधर जाएगा, फिर अगले वाले इससे आगे जाएंगे. ऐसे ही ये मूव करने की, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की प्रोसेस है वो फ्लो करते रहेगी. इलेक्ट्रॉन कभी इस होल को फिल करेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे तो कंडक्टिविटी को क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे. तो ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इनहेंस करी जाती है, बढ़ाई जाती है बाई एडिंग इम्प्योरिटीज.
ठीक है, और कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, 13th ग्रुप की, पी मतलब पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस, वो तो ठीक है, बट एक ट्रिक ऐसे कर लेते हैं इसकी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी से पी टाइप, पी से पहले वाला ग्रुप, प्रीवियस ग्रुप, तो प्रीवियस ग्रुप कौन सा था 14th ग्रुप से, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप के ऐड करा दो, तुम बोरोन ऐड करा सकते हो, गैलियम ऐड करा सकते हो, इंडियम ऐड करा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, जो तुम ऐड कराना चाहो वो करा सकते हो, ऐसे ऐसे ये होल क्रिएट करेगा और इन होल के थ्रू जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सर्कुलेट करना शुरू करेंगे, फ्लो करना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी मैंने वैसा ही कुछ केस ले लिया जैसा पी टाइप में लिया था, सेमीकंडक्टर का एक ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसका छोटा सा हिस्सा लिया, सिलिकॉन चार बॉन्ड बना रहा था तो ये ऐसे क्लोज पैक सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया सिलिकॉन ने। अब हम इसमें फिर दोबारा से क्या ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, लेकिन इस बार इम्प्योरिटी ऐड कहाँ करी जाएगी, कहाँ तो क्या किसी भी जगह कर सकते हो, पर किस ग्रुप की करी जाएगी, पी से हमने ट्रिक बनाई थी कि प्रीवियस वाला ग्रुप, एन से क्या ट्रिक बना ले, नेक्स्ट वाला ग्रुप, कि जब 14 तो ले ही रहे थे इसे नेक्स्ट वाले ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करा दो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में वैसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पी था तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आया था, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये एक ही तरीका है नेगेटिव को एक्सेस करने का। तो यहाँ इस सेमीकंडक्टर में मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को, एक इसको हटा के और इसकी जगह मैंने 15th ग्रुप का ऐड कर दिया, नेक्स्ट वाले ग्रुप का ऐड कर दिया, मान लो मैंने ऐड कर दिया इसमें आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक के पास इलेक्ट्रॉन है पांच, पांच इलेक्ट्रॉन करेगा ये अपने शो, एक दो तीन चार, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया अभी भी, वो इलेक्ट्रॉन इसने शो कर दिया ऐसे, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, इनसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, तो ये आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन लिख दिए पांच। अब देखो चार बॉन्ड आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन, चार जो इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक के वो बॉन्ड बनाने में व्यस्त है, वो बॉन्ड बनाएंगे अपने चार, बच गया एक इलेक्ट्रॉन, अब जो फ्री है वो घूमेगा, जो फ्री है वो घूमेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये कहाँ करेगा मूवमेंट, कहाँ घूमेगा, ये इसी क्रिस्टल में कंडक्शन शुरू करा देगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करता रहेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस बॉन्ड पे सर्कुलेट कर सकता है, आगे वाले बॉन्ड पे सर्कुलेट कर सकता है, तो जैसे ही अब फ्री इलेक्ट्रॉन मिला तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। वैसे भी ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इंक्रीज ही करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं वहां कंडक्टिविटी बढ़ती बढ़ती है, जैसे हमने पहले देखा था पहले के टॉपिक में कि मेटल एक्सेस और इन सब में कि फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो वो कंडक्ट जब अराइज हो रहे थे तो कंडक्टिविटी बढ़ा रहे होते थे, ठीक है, तो वो ऐसे ही इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा। ये थे अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई टाइप था नहीं, एक्सट्रिंसिक के टाइप थे दो, पी टाइप एंड एन टाइप, ये पी टाइप हमने देखा, एन टाइप हमने देखा, अच्छे से ट्रिक बना सकते हो कि पी से पी टाइप, पी से प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एन से एन टाइप, एन से नेक्स्ट ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होता इनमें, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं और ये इनके टाइप, दैट्स इट।